फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी नेता जयाप्रदा शनिवार को वाराणसी पहुंची। यहां उन्होंने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुई जयाप्रदा ने आजम खां पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो बोएगा वही काटेगा, आजम खां को उनके कर्मों की सजा मिल गई है। वहीं जयाप्रदा ने कहा कि आजम खां की महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी और उनके अपमान की वजह से ही आज उनका बुरा वक्त चल रहा है। वहीं रामपुर में आजम खां की सीट पर होने वाले उपचुनाव पर भी जयाप्रदा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह सीट बीजेपी जीतने जा रही है। जयाप्रदा ने बताया कि कल हम लोगों ने विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन भी किया। मैडम जी, आजम खां के बुरे दिन चल रहे हैं, क्या मानती हैं कि एक औरत की बदबू उन्हें लग गई है? मैं बात करने दीजिए, अरे रुक जाइए ना, अरे मैडम से जुड़ा हुआ मामला है तो पूछ रहे हैं। देखिए, जो भी है, राजनीति हो या इंसान को, दूसरे इंसान को सम्मान करना, खासतौर महिलाओं को सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अभद्र शब्द इस्तेमाल करे या दूसरों को दूषित करे तो ये लोगों के लिए एक मिसाल है कि जो आजम के साथ हो रही है, जो बोते हैं तो उनको काटना भी होता है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।